नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। मां काली के पोस्टर को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अब बड़े बड़े नेता भी उलझते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का इस पर एक विवादित बयान सामने आया है, जिस पर बवाल मच गया है और इसके बाद ही उनकी ही पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा और ये पूरा मामला आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि महुआ मोइत्रा ने बोला क्या है। सिगरेट पीते हुए मां काली के पोस्टर पर मोइत्रा ने फिल्म के डायरेक्टर लीना का समर्थन किया। उन्होंने एक टीवी चैनल में बयान देते हुए कहा कि ये आपके ऊपर है कि आप मां काली को किस रूप में लेते हैं। मेरे लिए तो मां काली मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी है। और फिर क्या था, पोस्टर को लेकर जहां हिंदू संगठन पहले से ही गुस्से में था, अब मोइत्रा के इस बयान ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। महुआ के इस बयान के बाद जैसे ही इस पर विवाद बढ़ा तो टीएमसी ने भी इससे किनारा कर लिया। पार्टी ने एक ट्वीट जारी कर लिखा कि देवी काली पर की गई महुआ मोइत्रा की टिप्पणी उनके निजी विचार है, इसका पार्टी समर्थन नहीं करती है। टीएमसी इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने भी अपनी सफाई पेश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया और ना ही धूम्रपान शब्द का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरा एक सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी माँ काली के पास जाएं, वहाँ देखने को मिलेगा कि भोग के रूप में क्या क्या चढ़ाया जाता है। जय माँ काली। उनके इस बयान के बाद जहाँ बीजेपी ने उनको तुरंत गिरफ्तार करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है, वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में महुआ मोइत्रा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पैंकर न्यूज।